हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। यह पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। 3 बार ओम का उच्चारण, मंगलाचरण, फिर पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की प्रक्रिया, और इसके बाद हम सीधा हवन प्रारंभ कर सकते हैं। और यदि हो सके, हमारे पास समय की अनुकूलता हो और ये मंत्र विशेष हम कर सके, तो वेद के 8 मंत्र होते हैं जिसमें ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना की जाती है। तो आइए आज हम सब मिल करके, हाथ जोड़ करके, पूरे श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के वेद वाणी, वेद के 8 विशेष मंत्रों का हम उच्चारण करते हुए यज्ञ को प्रारंभ करेंगे। तो सब लोग हाथ जोड़ करके सीधे बैठेंगे। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा यद् भद्रं तन्न आसुवा। ओम हिरण्यगर्भस्समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत् सदा धार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेमा। ओम य आत्मदा बलदायस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेमा। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकहिद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेमा। ॐ य आत्मदा बलदायस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेमा। ॐ प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्या आमपतयोरईणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा आ यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नद्येरयन्त। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेनम उक्तिं विधेम। इतीश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना। ऐसे पूरे श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना भी यज्ञ से पूर्व हम कर सकते हैं। और अब अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान ध्यान देंगे। अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान हम दीप प्रज्वलन करेंगे। हवन कुंड के बाहर जो दीपक रखा है, उस दीपक को हम प्रदीप्त करेंगे। माचिस अपने हाथ में ले लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः। दीप प्रज्वलन करने के पश्चात अब आपके पास में कपूर रखा है, उस कपूर को जो घी की चम्मच है उसके अग्रभाग में रख लीजिए कपूर को। अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान ध्यान देंगे।
अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान इस कपूर को हम अग्नि दीपक के माध्यम से प्रदीप्त करेंगे और मंत्रोच्चारण के पश्चात हवन कुंड के बीच में उस अग्नि का आधान करेंगे। ओम भूर भुवः स्वर्गोरिव भूम्ना पृथिवी वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्ना दमन्नाद्याया दधे। हवन कुंड के बीच में अग्नि को स्थापित कर दीजिए। हवन कुंड के बीच में अग्नि को स्थापित कर देंगे और उसके ऊपर एक लकड़ी समीधा को ऐसे रखेंगे कि जो उठ रही लौ है वो उसको सीधा टकराए। ऐसे आड़ी एक समीधा रखिए, नीचे से जो लौ उठ रही है उस लौ टकराए। ऐसे एक लकड़ी एक समीधा उसके ऊपर आड़ी रखिए, जो आपको तीन समीधाएं रखने के लिए कहा है उसमें उसको छोड़ करके, और अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान इसके ऊपर 2 से 3 गाय के घी की आहुति देंगे। मंत्र के उच्चारण के दौरान ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमीष्टा पूर्ते सदम सृजेथामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। आप सभी लोगों ने 2-3 गाय के घी की आहुति दे दी होगी। एक बार मैं फिर से निवेदन करता हूं, जो भी हवन कुंड के ऊपर बैठे हैं पूरा ध्यान इधर देंगे। जिस समय जो चीज कह रहे हैं उसको हमें करना है। अभी जैसे आपको पता है 3 घी की आहुति देना, लोग खोज रहे हैं अब क्या करना है, तो निर्देश दे रहे हैं तब हम इधर ध्यान देंगे। अब आपके पास जो गाय के घी से भीगी हुई 3 समिधाएं हैं उसमें से एक समिधा को लेंगे, एक हवन कुंड के ऊपर एक व्यक्ति एक समिधा को लेंगे और दोनों हाथ से प्रणाम मुद्रा में इसे पकड़ेंगे और मंत्रोच्चारण के अंत में जब हम स्वाहा बोलेंगे तो स्वाहा के साथ इस समिधा की आहुति प्रदान करेंगे और समिधा को ऐसे आड़ी रखेंगे, ऐसे खड़ी नहीं रखनी, ऐसे आड़ी रखेंगे। ओम अयंत आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्वचेद्ववर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्न येन स्वमेधयः स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। दूसरी संविधा लेंगे। ओम समिधाग्निम् ध्वस्यता घृतेर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतन सुस्सविद्धाय शोचिषे घृतम् तीव्रम् जुहोतन। अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। तीसरी संविधा लेंगे। ओम तन्त्वा समेद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नये अङ्गिरसे इदन्न मम। अब हम 5 घी की आहुति प्रदान करेंगे 5 मंत्रों के माध्यम से। ओम अयंत आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्वचेद्ववर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्वचेद्ववर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्वचेद्ववर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्वचेद्ववर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्वचेद्ववर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा।
इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम। अब श्रु को छोड़ देंगे। अब एक हवन कुंड के ऊपर केवल एक व्यक्ति अपने राइट हैंड जमना हाथ की हथेली में जल लेंगे और मंत्रोच्चारण के बाद आपके सामने हवन कुंड रखा है। हवन कुंड की सामने की साइड ध्यान दीजिए, हवन कुंड के सामने की साइड में अपनी राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर जमनी बाजू की दाबी बाजू की तरफ जल सिंचन करेंगे पहले मंत्र के बाद। ओम आदितेनु मन्यास्व, हवन कुंड के सामने की साइड। अब आपके और हवन कुंड के बीच की जो जगह है उस जगह में राइट साइड से जमनी बाजू थे दाबी बाजू की तरफ ओम अनुमते अनुमन्यास्व। अब आपके सामने हवन कुंड रखा है, आपका जो दाबा हाथ है उस साइड की जो हवन कुंड की साइड है उस साइड में आपकी ओर से सामने की ओर धारा बनाते हुए जल सिंचन करेंगे। ओम सरस्वती अनुमन्यास्व। अब चौथी बार जल लेंगे और मंत्रोच्चारण के बाद परिक्रमा क्रम से हवन कुंड के चारों दिशाओं में जल सिंचन करेंगे। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञम प्रसुव यज्ञ पतिम भगाय दिव्यो गंधर्व के तपु के तम न पुना तु वाचस्पतिर्वाचन न स्वदतु। हवन कुंड के चारों दिशाओं में जल सिंचन करेंगे। जल सिंचन करने के बाद अब चार विशेष घी की आहुति प्रदान करेंगे। हवन कुंड में प्रदीप्त समिधाओं में पहले उत्तर दिशा में प्रदीप समिधा के ऊपर, फिर दक्षिण दिशा में प्रदीप समिधा के ऊपर, पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए दो आहुति और दो हवन कुंड के बीच में ऐसे चार घी की आहुति प्रदान करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदन्नमम। ओम सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय इदन्नमम। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये इदन्नमम। ओम इन्द्राय स्वाहा, इदं इन्द्राय इदन्नमम। अब एक व्यक्ति गाय के घी की आहुति देंगे और बाकी लोग हवन सामग्री की आहुति देंगे जो जड़ी बूटियां हैं उनकी। मध्यमा अनामिका और अंगुष्ठ तीन उंगलियों के माध्यम से ऐसे सामग्री को लेते हैं। देखिए तीन उंगलियों से जब ओम का उच्चारण करते तब लेते हैं और स्वाहा के साथ इस प्रकार से ऐसे समर्पण मुद्रा के साथ ऐसे आहुति देनी है। ऐसे नहीं देनी है, देखेंगे इधर ऐसे नहीं डालेंगे, ऐसे आहुति देंगे ठीक है। और जो अकेले आहुति दे रहे हैं वो पहले घी की आहुति देंगे उसके बाद सामग्री की, दोनों ही आहुति हर स्वाहा के साथ प्रदान करेंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, ओम अग्निर्वर्च ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या तुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा, ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा, इदं वायवे पानाय इदन्नमम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा, इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्य प्राणापान व्यानेभ्य स्वाहा, इदमग्निवायवादितेभ्य प्राणापान व्यानेभ्य इदन्नमम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम स्वाहा, ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा, ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मौक्तिं विदेम स्वाहा।
ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। अब श्रू चम्मच आदि को छोड़ देंगे, सारी चीजों को छोड़ करके हाथों को पोंछ लीजिए। अब सभी लोग सीधे बैठ करके हाथ जोड़ करके अग्नि देवता से अब प्रार्थना करेंगे। वेद में कहा सत्या संतु यजमानस्य कामा, जो व्यक्ति हवन करने के बाद जो भी प्रार्थना करता है वो प्रार्थना है उसकी पूर्ण होती है। तो अब सीधा बैठ करके हाथ जोड़ करके ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तो इस प्रकार से हमने पूरी श्रद्धा भाव के साथ देव यज्ञ की आहुतियों के साथ साथ कुछ विशेष आहुतियां भी हमने प्रदान की। इस प्रकार हमें प्रतिदिन देव यज्ञ करना होता है। प्रातःकाल करते तो सूर्य और प्रजापति के लिए दो आहुति विशेष देते हैं, सायंकाल करते हैं तो अग्नि और प्रजापति के लिए दो आहुति विशेष देते हैं, और उससे अतिरिक्त जैसे यथा इच्छा गायत्री मंत्र महामृत्युंजय मंत्र से 7 आहुति, 11 आहुति, 21 आहुति, 51 आहुति, 108 आहुति, जैसे समय की सामर्थ्य और सारी चीजों के अनुसार विशेष आहुतियाँ प्रदान करके इस श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को संपन्न करते हैं। और इतना सा यदि हम प्रतिदिन यज्ञ करते हैं तो इससे वायु प्रदूषण, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, रेडिएशन से लेकर के समस्त प्रकार के अशुभों से मुक्त होने के साथ साथ पुण्यों की प्राप्ति, देवी शक्तियों का पूजन, ईश्वर की आराधना से लेकर के पंचभूतात्मक या पिंड से लेकर के पंचभूतात्मक संपूर्ण ब्रह्मांड पर्यंत में स्वास्थ्य और संतुलन कायम कर सकते, बहुत बड़ी विधा और विद्या है जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें प्राप्त कराया। और ये देव पूजन के साथ साथ एक विशुद्ध विज्ञान, नैनो टेक्नोलॉजी, एक साइंस है, एक केमिस्ट्री है। तो ऐसे श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को हम सब प्रतिदिन करेंगे। आज हम इस यज्ञाग्नि की साक्षी में प्रभु से प्रार्थना करते हुए आज ये संकल्प लेकर के जाएंगे कि प्रतिदिन कुछ नहीं तो 11 गायत्री मंत्र से आहुति जरूर देंगे। देंगे सब? हाँ, एक बार आप लोगों के लिए जोरदार ताली। आज ये यज्ञ आपने अपने घर के अंदर स्थापित किया, इसका मतलब समझिए आपके घर को अब हॉस्पिटल की जरूरत नहीं।
सबसे बड़ा सबसे इंपोर्टेंट आहार हमारा वायु होता है, उसका शोधन पोषण हो जाता है। और दूसरा संकल्प हमने क्या लिया था, एक सप्ताह में एक परिवार में हवन कुंड हम जरूर पहुंचाएंगे, पहुंचाएंगे सब लोग। हाँ, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। और एक तीसरा भी हमने संकल्प लिया था, 3 महीने में, आज आनंद आया नहीं आया एक साथ यज्ञ करने में, 3 महीने में हम सब एक साथ मिलकर के ऐसे यज्ञ का महा महोत्सव कर सकते हैं, करेंगे। एक बार जोरदार कल्पक ध्वनि से अपना समर्थन दीजिए। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हविर यातु धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहुत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग दोष ताप संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। 6 महीने के पीरियड के अंदर मिसेज मेरी 2 बार वेंटिलेटर पे गई, 2 बार वेंटिलेटर पे गई और टोटल 6 बार हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी। उसके उसके बाद उनका सब बहुत सा डायग्नोसिस किया गया, टेस्ट किया गया। उस टेस्ट में मालूम पड़ा कि इनका जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड का D11 D12 जॉइंट के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, और वो इन्फेक्शन बाहर की तरफ ना होके अंदर की तरफ हुआ है जहाँ कैल्शियम रहता है, और वो कैल्शियम को खाना चालू कर दिया था वो इन्फेक्शन ने। उसके वजह से वो कम्प्लीट, जब भी डायग्नोसिस हो गया उसके बाद वो कम्प्लीट बेड पे ही चली गई। वो न करवट बदल सकती थी, न करवट मतलब बिल्कुल, श्वास लिया तो भी उनको दर्द होता था, बहुत ही वेदना होती थी। हर आधे घंटे के बाद भी अगर उनको पेन किलर दिया जाता था उसका भी कोई असर नहीं होता था। दूसरी जो प्रॉब्लम थी, व्याधि थी, वो है कि उनकी किडनी का जो फंक्शन है वो अभी एट प्रेजेंट 29% ही काम कर रहा है। इस कंडीशन में पेशेंट डायलिसिस पे चला जाता है, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ यज्ञ को कि उसके वजह से अभी तक वो सिचुएशन तैयार नहीं हुई। टोटल 5 डॉक्टरों की इनके ऊपर टीम काम करती थी, एक तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, दूसरे स्पाइन के डॉक्टर स्पेशलिस्ट, और तीसरे जो डॉक्टर थे इन्फेक्शन के स्पेशलिस्ट, चौथे डॉक्टर थे किडनी के डॉक्टर, पांचवे डॉक्टर थे फिजिशियन। अभी आप सोचिए 5वें डॉक्टर के कितनी दवाइयाँ उनको लगेगी। डॉक्टरों ने कहा कि उनकी अगर किडनी हमें बचानी है तो सिर्फ 1/4 ही हम डोज उनको दे सकते हैं। और तो मैंने बोला डॉक्टर साहब फिर कितना दिन लगेगा उनको ठीक होने को, बोले देखिए शुक्ला जी 3 से 4 साल, 5 साल, 6 साल, हम कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमको किडनी बचानी है, किडनी बचेगी तो ही तो आगे का काम उनका चालू होगा। तो मैं एक्चुअल 6 महीना तो बिल्कुल मेरी नींद ही उड़ गई थी। ताजी निर्मला बहन ने मुझे फ़ोन किया कि भैया बहुत दिनों से आपका सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट नहीं आ रहा है, क्या कुछ तबीयत खराब वगैरह है क्या घर में किसकी? तो मैंने बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है बहन। तो उन्होंने कहा कि आप तो यज्ञ को क्यों नहीं साथ में कराते हो, तो उसका उसका चमत्कारिक लाभ हो सकता है। बहन हमारी निर्मला गुप्ता जी दोनों पूरे साहित्य के साथ आए, हवन कुंड, समिधा, घी, हमारे मतलब जो कुछ भी लगता था लेके आए, उन्होंने विधिवत हमें बताया, और उसके बाद से हमने 18 जनवरी से हमने चालू किया, और 19 का जनवरी आने तक के डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास जाने के बाद में उन्होंने सब रिपोर्ट देखा, इनको देखा, ये अभी 100% ठीक हो गई है। तो यज्ञ का 1 साल के अंदर इतना बड़ा असर हो गया कि आप सोचिए, डॉक्टर ने कि 4-5 साल में वो ठीक होगी, 1 साल में ही ठीक हो गया। आज की तारीख में वो अपना सब कार्य खुद करती हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है, मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार
चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति माँ के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।